नमस्कार, आप જોઈ રહ્યા છો ગુજરાત સુપર ફાસ્ટ, આપની સાથે હું છું ઝરણા। રાજ્યના વાલીઓ માટે મોટા સમાચાર। દિવાળી બાદ સ્કૂલો શરૂ કરવાની તૈયારી। આવતીકાલે મળશે મહત્વની બેઠક। મુખ્યમંત્રી અને નાયબ મુખ્યમંત્રી રહેશે હાજર। શિક્ષણ મંત્રી ભૂપેન્દ્રસિંહ, શિક્ષણ વિભાગના અધિકારીઓ રહેશે હાજર। કેન્દ્રની ગાઈડલાઈનના પાલન સાથે તૈયારી। બેઠકમાં બે વિકલ્પ અપાય તેવી શક્યતા। વિકલ્પ એક, વાલીઓની મંજૂરીથી બાળકો આવે। વિકલ્પ બીજો, ઓનલાઈન અભ્યાસ કરાવે। आवतीकाले उम्मेदवारों भावीनो फैसलो। आठ बैठकों की मतगणतरी सचोट समाचार। गढ़ा में दादा खाचर कॉलेज में मतगणतरी थशे। 382 ईवीएम 28 राउंड में मतगणतरी। सरकारी विनियन कॉलेज में थशे मतगणतरी। करजण बैठक की मतगणतरी की तैयारी। वडोदरा फतेहगंज कॉलेज में थशे काउंटिंग। पॉलिटेक्निक कॉलेज में तड़ामार तैयारी। थ्री लेयर की सुरक्षा व्यवस्था गोठवाई। कपराड़ा बैठक की मतगणतरी की तैयारी। मतगणतरी केन्द्र पर चांपतो बंदोबस्त। कपराड़ा में 77.50% मतदान थयु। आवतीकाले चार उम्मीदवारों भावीनो फैसलो। अबड़ासा विधानसभा बैठक माटे मंगलवारे भूजनी एंजीनियरिंग कॉलेज खाते मतगणतरी कराशे। त्रण काउंटिंग होल में थनार गणतरी पैकी बे होल में ईवीएम मशीन और एक होल में पोस्टल बैलेट की मतगणतरी थशे। लींबड़ी बैठक की मतगणतरी में तैयारी। सुरेन्द्रनगर की कॉलेज में थशे मतगणतरी। एमपी शाह आर्ट्स कॉलेज में तड़ावार तैयारी। त्रण हॉल में 10 टेबल पर ईवीएम मतों की गणतरी। कोरोना गाइडलाइंस प्रमाण मतगणतरी। गढ़ा बैठक की मतगणतरी में तैयारी। दादा खाचर कॉलेज में थशे मतगणतरी। 382 ईवीएम 82 राउंड में थशे गणतरी। 12 उम्मीदवारों भावीनो फैसलो। मोरबी बैठक की मतगणतरी में तैयारी। 32 राउंड में थशे मोरबी की मतगणतरी। मोरबी बैठक में 52.32% मतदान हतु। कोविड गाइडलाइन थशे चुस्त पालन। आरोग्य की टीम पर रहेशे तैनात। धारी बैठक की मतगणतरी में तैयारी। धारी की महिला कॉलेज में थशे काउंटिंग। 12 टेबल पर 29 राउंड में मतगणतरी। धारी में थयु हतु 45.89% मतदान। आवतीकाले उम्मीदवारों भावीनो फैसलो। डांग बैठक की मतगणतरी में तैयारी। आहवा सरकारी कॉलेज में मतगणतरी थशे। डांग बैठक की मतगणतरी 36 राउंड में थशे। चार रूम में कुल 10 टेबल पर मतगणतरी। डांग में 75.5% थयु हतु मतदान। संघ प्रदेश दादरा नगर हवेली मतदान पूर्ण। शांतिपूर्ण माहौल में मतदान योजायु। 11 नवम्बरे जाहिर थशे परिणाम। केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह कच्छ मुलाकात बाद अमदावाद आवशे। परिवार साथे दिवाळी ना तहेवारों नी उजवणी करशे। भाजप प्रदेश अध्यक्ष सी आर पाटिल सूरत में रजत तुला कराई। पेटा चूंटणी में तमाम बैठक जीतवानो पाटिले कर्यो दावो। मंगलवारे जाहिर थशे पेटा चूंटणी ना परिणाम। गीर सोमनाथ त्रिवेणी घाट पर स्वर्गस्थ केशुभाई पटेल ना अस्थि विसर्जन। केशुभाई ना त्रणे दीकराओए पूर्ण करी अस्थि विसर्जन नी विधि। सवाया गुजराती तरीके जाणीता फाधर वालेस नु निधन। 95 वर्ष की वये अंतिम श्वास लीधा। 1978 में रणजीत कराम सुवर्णचंद्रक मळ्यो हतो। पोरबंदर में सांढिया में गटर की सफाई की कामगिरी में भ्रष्टाचार ना आक्षेप। शहर कांग्रेस समिति द्वारा योजायो धरना कार्यक्रम। शहर ना खाकचौक विस्तार में धरना योजी नोंधाव्यो विरोध। राजकोट मार्केट यार्ड में हुबाड़ो। भारतीय किसान संघ ना कार्यकरों हुबाड़ो। मगफली की खरीदी मामले हुबाड़ो। 25 किलो ने बदले 30 किलो ना निर्णय नो विरोध। अगाउ बारदान में 25 किलो की हती मंजूरी। सूरत में सामी दिवाड़ी नौकरी में मुक्त कराता कामदारों में रोष। वेड़द्रोड तृप्ति इंडस्ट्रीज में आश्रे 25-30 महिलाओं ने छूटी कर दी। राष्ट्रीय मजदूर सेना यूनियने साथ राखी धरना प्रदर्शन। दिवाळी ना टाणे बजार में लोगों की भारे भीड़। मंगल बजार लोगों थी भरायो। सोशल डिस्टेंसिंग नो पण अभाव जोवा मळ्यो। कोरोना काल में भीड़ पड़ी शके छे भारे। सरकारे लग्न प्रसंगों में 200 लोगों की हाजरी ने मंजूरी आपता उद्योग धंधा में फूंकाया नवा प्राण। लोगोए लग्न प्रसंग ने लई शुरू करी तैयारी, जेना कारणे 6 महीना थी बंद धंधा चढ़या पाटा पर। लग्न सरानी सीजन थी बैंक्वेट हॉल और पार्टी प्लॉट ना धंधार्थियों ने पण राहत। लोग करावी लया रहा है लग्न माटे बुकिंग। धंधा में तेजी आवानी बैंक्वेट मालिकों ने आशा। रिसोर्ट ना बुकिंग पण धीमे धीमे वध्या। रिसोर्ट और बैंक्वेट मालिकों की तैयारी शुरू। ग्राहकों माटे मेन्यू की साथ प्रसंग ने अनुरूप तमाम डिजाइन कर रहा है तैयार। लग्न प्रसंग की मंजूरी मिली परंतु संगीत बैंड बाजा और बगी की मंजूरी ना मिलता तेमनी हालत कफोड़ी। लग्न में सरकार संगीत की मंजूरी आपे तेवी तेमनी आशा। सौथी राहत ना समाचार मंडप मालिकों ने मळ्या। मंदी में सपड़ायेलो मंडप डेकोरेशन नो धंधो फरी पाटा पर जड़ियो। अनेक लोगों ने मळशे रोजगारी। केटरिंग ना बिजनेस ने पण वेग। राज्य में फटाकड़ा फोड़वा मुद्दे एनजीटी में सरकारे रजू कर्यो जवाब। नायब मुख्यमंत्रीए कह्युं के गुजरात माटे नथी चिंता नो विषय। प्रदूषित शहरों में फटाकड़ा फोड़वा पर छे प्रतिबंध।
एनजीटीए दिल्ली एनसीआर में 30 नवंबर सुधी फटाकड़ा फोड़वा पर प्रतिबंध लगाव्यो। बाकी राज्यों में जहां एयर क्वालिटी खराब के खतरनाक स्तर पर है त्यां फटाकड़ा फोड़वा पर प्रतिबंध। फटाकड़ा फोड़वा अंगे डेप्यूटी सीएम बोलिया, एनजीटी आदेश थी रो अभ्यास, जीपीसीबी कर रू अभ्यास। तापी में दिवाड़ी दरमियान फटाकड़ा फोड़वा बाबते प्रसिद्ध करायु जाहिरनामु, रात्र 8-10 दरमियान ज फटाकड़ा फोड़वा जाहिरनामा में उल्लेख, जाहिर रस्ता पेट्रोल पंप एलपीजी प्लांट नजीक फटाकड़ा फोड़ी शकाशे नहीं। अमदावाद में दिवाड़ी ने लेने सीपी जाहिरनामु, रात्र 8-10 सुधी फटाकड़ा फोड़वा की मंजूरी, लूम जेवा फटाकड़ा फोड़वा पर लगावी रोक। अमदावाद में विदेशी फटाकड़ा फोड़वा के वेचवा पर प्रतिबंध, ऑनलाइन फटाकड़ा वेचाण पर प्रतिबंध, नियमों साथ फोड़ी शकाशे फटाकड़ा। आईबी इनपुट्स पगले अमदावाद पुलिस अलर्ट, शहर में भीड़भाड़ वाली जगह करू चेकिंग, भद्र मार्केट में स्थानिक पुलिस एसओजी और बीडीडीएस की टीमों करू चेकिंग। दिवाड़ी ने जोता अंबाजी नजीक चेकपोस्ट पर कड़क पुलिस बंदोबस्त, गुजरात और राजस्थान की बॉर्डर होवाथी पुलिस बंदोबस्त, आता जता तमाम शंकास्पद वाहनों की तपास शुरू कराई। दिवाड़ी दरमियान 24 कलाक 108 सेवा रहेशे चालू, 13 वर्ष डेटा ने ध्यान राखी 108 क्या राखी तेनी तैयारी, 631 एम्बुलेंस खड़े पगे, नवा वर्षे 18% भाई बीजे 25% केस वधवानी शक्यता साथे व्यवस्था। राजकोट बेड़ीयार्डे दिवाड़ी वेकेशन जाहिर कर्यु, 6 दिवस बेड़ीयार्ड में वेकेशन जाहिर, 13-18 तारीख सुधी यार्ड रहेशे बंद। राजकोट में एम्स अंगे मड़ी बैठक, सीएम रूपाणीए कलेक्टर साथे करी बैठक, हीरासर आंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट अंगे चर्चा, एम्स ना मुख्य बिल्डिंग नो प्लान मुकायो, एम्स की 13 प्लान अंगे चकासणी। पद्मश्री मेळवनारा जूनागढ़ खामद्रोड वल्लभभाई मारवाणिया निधन, गाजर उत्तम उत्पादन माटे राष्ट्रपति हस्ते एवोर्ड मेळव्यो हतो। द्वारका में खंभाड़िया खीरसरा गामना खेडूत आपघात, पाक निष्फळ जता 42 वर्षीय खेडूते झेरी दवा पी लीधी, परिवार में गमगीनी छवाई। द्वारका खंभाड़िया में 50 मणना मगफड़ी ढगला में लागी आग, खेतर में वीज ट्रांसफॉर्मर में शॉर्ट सर्किट ने कारण खेतर में लागी आग, पाक पड़ी ने खाक। अरवली जिला में कपास पाक में देखायो खाखरी नाम रोग, तैयार पाक में खाखरी रोग आता खेडूतो चिंता में मुकाया, खाखरी रोग कारण खेडूतो उभो पाक सुकाई रह्यो छे। बनासकांठा ढीमा पास इढ़ाड़ा माइनोर बे केनाल में 2 दिवस में 3 वक्त गाबड़ू पड़ू, केनाल बनया बाद 10 वक्त गाबड़ू पड़ता खेडूतो परेशान, वारंवार गाबड़ा थी खेडूतो रोषे भराया। छोटाउदेपुर नसवाड़ी में बियारण फेल जता खेडूते कर्यो अनोखो विरोध, बरोली खेडूते देवलिया चौकड़ी पर कपासना छोड़ सड़गामी विरोध कर्यो, दुकान आग रोड पर ज कर्यो विरोध, खेडूते बियारण की दुकान आग रोड पर ज कर्यो विरोध, खराब बियारण अंगे दुकानदार ने अनेक रजूआत छता प्रश्न हल न थतो होवानो आरोप, मोंघा भावनु बियारण छता छोड़ पर न आव्यु एक पण झींडू। पाटणना सांतलपुरनु लोदरा गाम वर्षोथी विकासथी वंचित, प्राथमिक सुविधाओ आपवा लोको करी रह्या छे रजूआत, बस स्टेन्ड आरोग्य केन्द्रनी दयनीय हालतथी लोको परेशान, गामना बस स्टेन्डमां जवाथी डरी रह्या छे लोको, बस स्टेन्डमां चारे तरफथी पोपड़ा पड़ता इजा थवानो लोकोमां छे भय। गामनो आरोग्य केन्द्र पर हाल जर्जरित हालत में, इमारतना सड़िया देखावा लागता, वारंवार पड़ी रह्यो छे काटमाळ, इमारत जर्जरित बनता लोको आरोग्य केन्द्र में जता नथी। पशु माटे बनावेला दवाखाना में उगी निकळ्या छे बावड़िया, पशु की सारवार माटे कोई तबीब न आवता, लोको माटे भारो भारो। महुआ नेशनल हाईवे पर चक्का जाम, छेल्ला 4 वर्षथी खराब रस्ताना कारणे लोकोने हालाकी, त्यारे ट्री हाई क्रिश्चियन कोल्ड एसोसिएशन आगेवानोए रस्ता पर उतरी कर्यो चक्का जाम। गांधीनगर में हवे गटरनी सफाई माणस नहीं रोबोट करशे, मेन होलनी बेंडिकोट रोबोट करशे सफाई, डेप्यूटी सीएम नितिन पटेले रोबोटनु निरीक्षण करी लोकार्पण कर्यु। 38.8 लाख की किमत तो रोबोट करशे गटर की सफाई, एक रोबोट माटे ऑपरेटर और हेल्पर राखवामां आव्या। सूरत हजीरा थी भावनगर घोघा सुधी रोपेक्स फेरी में अनेक खासियत, जहाज में प्रवेश आवता ट्रांसपोर्ट सेक्शन में वाहनों पार करी अन्य जगह लई जई शकाय छे। रोपेक्स फेरी जहाज पहला माड़े कार और टू व्हीलर पार्किंग की व्यवस्था है, अं 100 जेटली कार और टू व्हीलर पार्क कर सकता है, एटले के रोपेक्स में पोताना वाहनों ने लईने पण जई शकाय छे। रोपेक्स जहाज में 2 मोटा डेक है, डेक पर दरियानो नजारो ने जहाज की टेक्निकल व्यवस्था जोई शकाय छे। रोपेक्स फेरी कंट्रोल रूम है संपूर्ण कम्प्यूटराइज, आखी ऑपरेटिंग सीस्टम कम्प्यूटराइज होवाथी सरळता थी जहाज संचालन थाय छे।
रोपेक्स फेरी में मुसाफरो माटे एक्जिक्यूटिव और बिजनेस क्लास एम बे प्रकार की बैठक व्यवस्था। एक्जिक्यूटिव क्लास माटे मुसाफर दीठ चार्ज 600 रूपया है। सेंट्रल एसी हॉल में कैफेटेरिया ने मनोरंजन सहित की व्यवस्थाओं। हिम्मतनगर भोलेश्वर मंदिर में 6 जिला बैंड एसोसिएशन ने मिली मीटिंग। लग्न में बैंड व्यवसायकारों ने छूट न आप अंगे थी चर्चा। तमाम एक साथ एक दिवसे गुजरात भर में आवेदन आप निर्णय। राज्य में तेहवारों समय कोरोना ना केस में घटाड़ा बाद फरी उछाड़ो। रविवार 1020 नवा केस नोंधाया। 7 दर्दियों कोरोना ने कारण निपजा मौत। वधु 819 दर्दियों कोरोना ने मात आपी स्वस्थ थई घरे परत फर्या। राज्य में दर्दियों साजा थवानो दर 91.9%। अमदावाद जिला में कोरोना केस में चिंताजनक वधारो। नवा 180 केस नोंधाया जारे के वधु 2 दर्दी निपजा मौत। 199 दर्दियों थया स्वस्थ। सूरत जिला में कोरोना 198 केस नोंधाया। 2 दर्दी निपजा मौत। 217 दर्दियों स्वस्थ थई घरे परत फर्या। वडोदरा जिला में नवा 127 केस नोंधाया। 40 दर्दियों आपी कोरोना ने मात। राजकोट जिला में कोरोना 113 केस सामे आव्या। 88 दर्दियों थया स्वस्थ। अमदावाद में कोरोना नो केर टेस्ट माटे मोटी संख्या में लोग उमटिया। कोरोना कियोस्क पर टेस्ट माटे भीड़। शियाळो शुरू थता लोगों में छे डरनो माहौल। शर्दी खांसी वधता टेस्ट माटे भीड़। अमदावाद में कोरोनाए फरी एक बार माथु उंचक्यू। नवरंगपुरा नारणपुरा वेजलपुर बोडकदेव चांदखेड़ा विस्तार में सौथी वधारे केस सामे आव्या। ठंडी समय में कोरोना प्रकोप वधवानी संभावना। अमदावाद में उभा करायेला कोरोना बूथ में रोज 150 थी 200 लोग करावे छे टेस्ट। जेमाथी आश्रे 25 लोग आवी रह्या छे पॉजिटिव। कोरोना ना केस वधता फरी हेल्थ विभाग की वधी मुश्किली। दिवाड़ी त्यौहारों में अमदावाद महानगरपालिका में वेपारियों कराई रहा है कोरोना टेस्ट। फरसाण फटाकड़ा ज्वेलरी मिठाई वेपारियों टेस्ट आगामी 13 नवंबर सुधी चालशे टेस्टिंग। अत्यार सुधी 2100 जेटला वेपारियों टेस्ट में 60 वेपारी पॉजिटिव होवानुं सामे आव्युं। 48 वोर्ड में दुकान में वेपारियों ने कर्मचारियों टेस्ट। वेजलपुर बोडकदेव बोपल आंबली नारणपुरा और पालड़ी विस्तार में वधु केस। पालन गाइडलाइन्स पालन न करता कोरोना दर्दियों सामे कार्यवाही। होम आइसोलेशन में रहेला दर्दियों बाहर निकलता दर्दियों ने कोविड सेंटर मोकलाया। एएमसी वसूल करशे व्यक्तिगत चार्ज। अमदावाद में बस स्टेशन पर प्रवासियों की भीड़। कोरोना ने लेने कोई पण प्रकारनी नथी रखाती तकेदारी। मास्क वगर फरता देखाया मुसाफरो। अमदावाद में तेहवारों समय कोरोनाए मारे उथलो। रेलवे स्टेशन बस स्टेशन में कराई रहा है टेस्ट। जो कि टेस्ट मरजियात कराता वधी चिंता। मुसाफरी माटे हवे फरजियात नथी कराता टेस्ट। एसटी में पण नथी कराता टेस्ट। दिवाळी पहला मुसाफरो नो वधशे धसारो। भरूचमां भाड़भूत बेरेक योजनानो विरोध। माछीमारोए स्वैच्छिक रीते 300 वधु बोट कांठे बांधीने विरोध कर्यो। माछीमारोना आगेवानोनी कराई अटकायत। सीआईडी क्राइम जीपीसीबी जीएसटी विभाग ने संयुक्त रेड। गैरकायदे बायोडीजल उत्पादन और वेचाण करता एकमों पर तवाई। अलग अलग जिल्लाओं में 43 गुना दाखिल कराया। सूरत शहर में बूट चप्पल वेपारी ने त्या सीआईडी क्राइम दरोड़ा। ब्रांडेड कंपनी नावे डुप्लीकेट बूट नु करता था वेचाण। 2 शख्स की अटकायत। 71 लाख की वधु मुद्दा माल जप्त। पंचमहाल में आवकवेरा विभाग नु सर्च ऑपरेशन। गोधरा वेजलपुर में जमीन दलालों ने वेपारियों ने त्या 3 दिवसीय तपास। 10 स्थले सर्वे पूर्ण। 8 स्थले कार्यवाही। अमरेलीना राजूला में अनाज कौभाड़ी चर्चा। मार्केटिंग यार्ड में तंत्र दरोड़ा। प्रांत अधिकारी मामलतदार सहित अधिकारी मार्केटिंग यार्ड में पकड़ो गैरकायदे रेशनिंग जत्थो। राजकोट धोराजी मार्केटिंग यार्ड में वाहनों की लागी लाइन। टेकाना भावे मगफड़ी वेचवा खेडूत उमटिया। मार्केटिंग यार्ड में मगफड़ी भरेला वाहनों की लांबी कतारों। नर्मदा पोंचा पुल भारे वाहनों माटे बंद। राजपीपळा थी वडोदरा वच्चे पुल नो एक पिल्लर बेसी जता वाहन चालकों ने हालाकी। भारे वाहनों ने 40 किलोमीटर वधु फेरो करवो पड़शे। अमदावाद आरटीओ माथी समयसर लर्निंग लाइसेंस न मळता अरजदारों ने हालाकी। ड्राइविंग स्कूल एसोसिएशने वाहन व्यवहार विभाग ने लख्यो पत्र। लाइसेंस की कामगीरी पण आरटीओ कचेरी में ज करवामां आवे तेवी रजूआत। अमदावाद में 6 सेंटर है जेमा 1 सेंटर पर दिवस में 20 लोगों ने अपाय छे अपॉइंटमेंट। दिवस में 120 लर्निंग लाइसेंस ज निकलता होवाथी अरजदारों ने समयसर नथी मळता लाइसेंस। खंभाड़ियाना रामनगर ग्राम्य विस्तार में बनावेलो ब्रिज बन्यो माथानो दुखावो। वरसादना कारणे भरायेला रहे छे 2-3 फूट पाणी। स्थानिको अने वाहन चालको थई रह्या छे परेशान। प्रश्ननो उकेल लावामां। तो आ साथे समाचारोमां हाल रोकाईशुं ब्रेक माटे।
वेलकम बैक। डाकोर मंदिर समय में फेरफार, दिवाली निमित्ते दर्शन समय में फेरफार। 10मी थी 15मी सुधी दर्शन समय में फेरफार। सवारे 6:30 कलाके मंदिर द्वार खुलशे। सवारे 6:45 कलाके मंगल आरती थशे। આજે જૂનાગઢનો મુક્તિ દિવસ, જૂનાગઢની બહાઉદ્દીન કોલેજમાં વિજય સ્તંભનું કરાયું પૂજન, મેયર, ધારાસભ્ય, કમિશનર તેમજ શહેર ભાજપના કાર્યકરોની ઉપસ્થિતિમાં પૂજન। જૂનાગઢના માંગરોળમાં મુસ્લિમ સમાજ દ્વારા સજ્જડ બંધ પાડી દર્શાવાયો વિરોધ, ફ્રાન્સના રાષ્ટ્રપતિના ઇસ્લામ ધર્મ વિશેના નિર્ણયોનો કરાયો વિરોધ, સજ્જડ બંધ પાડી ફ્રાન્સ સામે નારાજગી વ્યક્ત કરાઈ। ભરૂચમાં ગોલ્ડન બ્રિજ પર ટ્રાફિક જામ, અંકલેશ્વરના છેડે સુધી વાહનોની કતાર, નોકરી અને રોજગાર માટે જતા લોકો અટવાયા, બ્રિજ પર વાહનોની કતાર લાગી। રાજકોટમાં ગુજરાત અર્બન કોઓપરેટિવ બેંક ફેડરેશનના ચેરમેનની ચૂંટણી, ચેરમેન પદે જ્યોતિન્દ્ર મહેતા ચૂંટાયા, સતત 6ઠી વખતે જ્યોતિન્દ્ર મહેતા ચેરમેન બન્યા, વાઇસ ચેરમેન તરીકે ડોલર કોટેચા ચૂંટાયા। સરકારી બાબુઓની લાંચ આપવા અટકાવતા સુરેન્દ્રનગર પાલિકાના મુખ્ય અધિકારીની પહેલ, પોતાની ઓફિસની બહાર દિવાળીની ભેટ તરીકે કોઈપણ સોગાદ આપવી નહીં તેવા પોસ્ટર્સ લગાવ્યા। જામનગરમાં જયેશ પટેલી ગેંગની હવે ખેર નહીં, બે આરોપીઓને કોર્ટમાં રજૂ કરાશે, યશપાલ અને જશપાલને કોર્ટમાં રજૂ કરાશે, 12 દિવસના રિમાન્ડ પૂરા થતાં રજૂ કરાશે। અમદાવાદના નરોડામાં ચડ્ડી બનિયાનધારી ગેંગનો આતંક, નરોડાની વાયબ્રન્ટ સોસાયટીમાં ચોરી માટે ઘૂસેલા તસ્કરો રહીશો પર કર્યો પથ્થરમારો, રહીશો જાગી જતા પથ્થરમારો કરી ફરાર થઈ ગયા। અમદાવાદમાં પીરાણા ગોડાઉન બ્લાસ્ટમાં મોતને ભેટેલા મૃતકોને શ્રદ્ધાંજલિ અપાઈ, વીએસ હોસ્પિટલ ખાતે યોજાયેલા શ્રદ્ધાંજલિ કાર્યક્રમમાં ધારાસભ્ય જિગ્નેશ મેવાણીએ હાજરી આપી, મૃતકના પરિવારજનની માંગ નહીં સ્વીકારાય તો જિગ્નેશ મેવાણીની ઉગ્ર આંદોલનની ચીમકી। મોરબીમાં લોકરક્ષક દળના જવાનનો આપઘાત, રિવોલ્વરથી પોતાના ઘરે કરી આત્મહત્યા, ચૂંટણી પર ફરજ પર હતા એલઆરડી જવાન, આત્મહત્યાનું કારણ હજુ અકબંધ, હળવદના સાપકડા ગામનો બનાવ। બનાસકાંઠાના દાંતામાં વડવેરા ગામે ગેરકાયદે હથિયારો બનાવનાર એક આરોપી પકડાયો, પાલનપુર એસઓજીએ હથિયાર બનાવવાના મુદ્દામાલ સાથે આરોપીને દાંતા પોલીસે સોંપ્યો। જૂનાગઢમાંથી દેશી બનાવટની 2 પિસ્તોલ અને 14 કારતૂસ સાથે 2 શખ્સો પકડાયા, સૂચિએ પિસ્તોલ કારતૂસ સહિત 40,000નો મુદ્દામાલ પણ કબજે કર્યો। બનાસકાંઠામાં પાલનપુર એસઓજી પોલીસે દેશી તમંચા અને કારતૂસ સાથે 4 લોકોની કરી અટકાયત, પાલનપુર આબુ રોડ હાઇવે પરથી વાહન ચેકિંગ દરમિયાન ગાડીમાંથી દેશી તમંચો અને કારતૂસ ઝડપાયા। ભરૂચના અંકલેશ્વરમાં 3 રસ્તા સર્કલ નજીક આવેલી ઇન્ડિયન ઇન્ફોલાઇન ફાઇનાન્સમાં લૂંટ, ગોલ્ડ લોન આપતી સંસ્થામાં લૂંટ, કરોડોના દાગીનાની લૂંટનું અનુમાન। જેતપુરમાં પોલીસના નામે મોબાઈલ અને રોકડની લૂંટ કરતી જુગલ જોડી પકડાઈ, થોડા દિવસ પહેલા જ અલગ અલગ વિસ્તારમાં લૂંટની બની હતી 10 ઘટના, સીસીટીવીના આધારે તપાસ કરતા આરોપી ઝડપાયા। નવસારીમાં લાંચિયા અધિકારી સામે એસીબીની લાલ આંખ, ખેતીની જમીન બિનખેતી કરવા માંગી હતી 3,46,000ની લાંચ, એસીબીએ વચેટિયાની કરી ધરપકડ, નાયબ મામલતદાર ફરાર। સુરતમાં મહિલા નાયબ મામલતદારના ફોટા વાયરલ કરવાની ધમકી આપનાર શખ્સ ઝડપાયો, 10 મહિના પહેલા ખોવાયેલા મોબાઈલમાં રહેલા ફોટા એડિટ કરી વાયરલ કરવાની આપી હતી ધમકી, આરોપીએ 60,000ની માંગી હતી ખંડણી। મોરબીના જૂના દેવળિયામાં જુગારધામ પર સ્ટેટ મોનિટરિંગ સેલના દરોડા, જુગાર રમતા 4 આરોપી ઝડપાયા, જુગાર ક્લબ ચલાવનાર સહિત 6 આરોપીઓ ફરાર। સુરેન્દ્રનગરના 80 ફૂટ રિંગ રોડ પર કાર ચાલકે 6 વાહનોને અડફેટ લીધા, 4 સગીરોએ બેફામ ગતિએ કાર ચલાવતા અકસ્માત સર્જાયો, સગીર કાર ચાલકો કાર મૂકી ફરાર થઈ ગયા। અમદાવાદના વસ્ત્રાપુરમાં આવેલા કારના શોરૂમમાંથી કારની ચોરી કરાઈ, હોન્ડોના શોરૂમમાંથી અંદાજે 12 લાખની કિંમતની કાર ચોરી, 2 અજાણ્યા યુવકો ફરાર થયા। ધનતેરસ પૂર્વે ભુજમાંથી 7 લાખના ચાંદીનો જથ્થો ઝડપાયો, ભુજ બી ડિવિઝન પોલીસે 14 કિલો ચાંદીનો જથ્થો કર્યો કબજે, માધાપર હાઇવે પર પેટ્રોલિંગ દરમિયાન એક્ટિવા ચાલક પાસેથી મળ્યો જથ્થો। સુરતના 8વા પોલીસ મથકમાં ભંગારના ગોડાઉન સંચાલક સાથે સ્થાનિકોએ મારપીટ કરી ઓફિસમાં તોડફોડ કર્યાની ફરિયાદ, ગોડાઉનના બીજો દરવાજો બનાવવા બાબતે થઈ હતી બોલાચાલી, જે બાદ મામલો વિચકતા તોડફોડ। રાજકોટના રેસકોર્સ રિંગ રોડનો વીડિયો વાયરલ, યુવતીને બળજબરીથી લઈ જતા યુવકનો વીડિયો વાયરલ, ભીડ વચ્ચે યુવતીની ગરદન પકડીને લઈ જાય છે શખ્સ। અમદાવાદમાં પીપળજ પીરાણા આગકાંડ બાદ નારોલની કેમિકલ કંપનીઓને ફાયર વિભાગે પાઠવી નોટિસ, નોટિસ અપાતા કંપનીના માલિકોમાં નારાજગી, ગુજરાત કેમિકલ એસોસિએશને ઠાલવ્યો રોષ। અમદાવાદ આગની ઘટના, કઠવાડા જીઆઈડીસીમાં કેમિકલ કંપનીમાં ભીષણ આગ, ફાયરની 10થી વધુ ગાડીઓ સ્થળ પર, ઇંક બનાવતી કંપનીમાં ભીષણ આગ। રાજકોટ ગોંડલ હાઇવે પર ગેસની પાઇપલાઇનમાં આગનો બનાવ, કિસાન પંપ પાસે આગ લાગતા દોડધામ મચી, ફાયરના જવાનોએ આગ પર કાબુ મેળવતા હાશકારો।
सूरत में एम्ब्रॉयडरी कारखाना में लागी आग। आग लागता आसपास विस्तार में दौड़धाम। फायर विभागे आग पर मेळव्यो काबू। शॉर्ट सर्किट ने कारण लागी हती आग। डांग में अकस्मात बाद ट्रक में लागी आग। ट्रक पलटी जता लागी हती आग। आग की घटना में ट्रक क्लीनर नु मौत। सापुतारा वघई रोड पर घटना। जूनागढ़ में मकान नो एक भाग धराशायी। घटना में त्रण व्यक्ति घायल। बे राहदारियों ने सामान्य इजा। चित्ताखान चौक विस्तार की घटना। अमदावाद ना ऑढ़ो में 5 लाख की लूट। आगड़िया पेढ़ी नो कर्मचारी लूटायो। पुलिस बैंक में थी एक आरोपी की 5 लाख की रोकड़ साथ करी धरपकड़। सूरत में दिवाड़ी पहला लूंटारा बेफाम। लालगेट विस्तार में लूंटो प्रयास। थोड़ा दिवसे आंगड़िया पेढ़ी कर्मचारी ने लूंटवा प्रयास। अमदावाद वाड़ज में सगीरा साथ छेड़ती। 13 वर्ष की सगीरा ने छेड़ती करता बे शख्सों सामे नोंधाई पुलिस फरियाद। अमदावाद में पुलिस कब्जे में रहेला वाहनों पर नहीं सलामत। वर्ष 2019 में जप्त करायेला वाहन की पुलिस स्टेशन में चोरी। ओढ़ो पुलिस फरियादी बनी तपास हाथ धरी। साबरकांठा हाजीपुर पास थी मेला युवान ना मृतदेह उकेलायो भेद। युवती लग्न पछी पण युवान हैरान करते होवाथी पति और अन्य बे इसमोए करी हती हत्या। पुलिस त्रणे आरोपी की करी धरपकड़। सूरत में खून अपहरण लूंट और घरफोड़ चोरी में कुख्यात बेरीढ़ा आरोपी ने क्राइम ब्रांच झड़पी पड़ा। 12 लाख ना सोना साथ झड़पाया। आंतरराज्य गैंग ने आरोपी अनेक गुना ना भेद उकेलाया। महिधरपुरा में चोरी नो भेद उकेलायो। आरोपी बेंगलोर में झवेरात की दुकान में एक किलो सोनू और रोकड़ की करी चोरी। राजस्थान और गुजरात में अनेक गुनाओं ने आप अंजाम। सूरत में अनाज करियाणा की दुकान में अफीण वेचता राजस्थानी युवा की धरपकड़। दुकान में 4 किलो अफीण साथ 16 लाख मुद्दा माल जप्त। मोरबी जिखियारी गांव में माता पुत्री की हत्या। नजीवी बाबते तकरार थता पुत्र तीक्ष्ण हथियार वड़े हत्या करी। मृतक भत्रीजाए पुलिस में नोंधावी फरियाद। जूनागढ़ केशोद में बोगस तबीब झड़पायो। गेलाणा गामे पुलिस सुरेश भट्ट नामना डमी डॉक्टर ने पकड़ियो। 11,000 रुपया मुद्दामाल जप्त करायो। अमदावाद में कोलसा वेपारी नोंधावी फरियाद। 59 लाख नो माल लई 32 लाख न चुकवता नोंधाई फरियाद। वाड़ज पुलिस तपास हाथ धरी। डांग आहवा मोबाइल शॉप में चोरी सीसीटीवी आया सामे। आहवा में शिवशक्ति मोबाइल नाम की दुकान शटर तोड़ी अलग अलग कंपनी मोबाइल की चोरी। पुलिस गुनो नोधी हाथ धरी तपास। सूरत में मास्क नामे वेपारी साथ ऑनलाइन लाखों की ठगाई करना आरोपी ने पुलिस झड़पी पाड़ो। हरियाणा ढाबा मालिके ऑनलाइन मास्क की डील करी वेपारी पास थी पड़ाया 48 लाख। अमदावाद में युवा निधि कंपनी 5 वर्ष में नाना डबल करने लालच आपी ठगाई। 24 लाख की ठगाई मामले बापूनगर में नोधाई फरियाद। सुरेन्द्रनगर भाजपा 3 नेताओं उत्तराखंड में अकस्मात। एक मौत एक हालत गंभीर। ड्राइवर सहित अन्य एक लापता। भाजपा 3 नेताओं ने जोशीमठ बद्रीनाथ हाईवे पर नड़ियों अकस्मात। 250 मीटर ऊंडी खीण में अलकनंदा नदी में खापकी कार। जिला युवा भाजपा प्रमुख मृगेश राठौड़ नु मौत। समाचार मिलता सुरेन्द्रनगर भाजपा नेताओं देहरादून जवा रवाना। राज्य सरकार उत्तराखंड सरकार सतत संपर्क में। लापता थे लोगों की शोधखोड़ चालू। सूरत ओएनजीसी ब्रिज पर ट्रेलर चालके एक युवक ने अड़फेटी लेता घटनास्थले ज निपजू मौत। शनिवार तेमज रविवार मोटी संख्या में आवे छे अहीं लोको। भरूचना वालिया अंकलेश्वर मार्ग पर चालू ट्रक टायर निकली जता अकस्मात। ट्रके सामे थी आवती कार ने लीधी अड़फेटे। महिला और बाड़कने पहुंची जाओ। अंबाजी पास जीआईडीसी विस्तार में स्कूटर पर काबू गुमावता अकस्मात। पति पत्नी स्कूटर पर जा रहा था तेरे अकस्मात सर्जाता महिला नु मौत। महिला माथा पर फरी वड़ी ट्रक। गीर सोमनाथ वेरावल बायपास पर अकस्मात में काका भत्रेजा मौत। मरणोत्तर क्रिया पूर्ण कर परत फरी रहे बे व्यक्ति ने ट्रेक्टर लीधा था अड़फेटे। देवभूमि द्वारकाना जाम खंभाड़िया में रेलवे स्टेशन रोड पर फूटवेर की दुकान में लागी भीषण आग। इलेक्ट्रिक शॉक सर्किट थी आग लाग्या कारण। सूरत घोड़दोड़ रोड विस्तार में आवेला अमृतधारा अपार्टमेंट में छत नो भाग तूट्यो। कोई जानहानि नहीं समाचार। फायर विभाग घटनास्थले पहुंच्यो। कॉर्पोरेशन की टीमें हाथ धरी तपास। गीरना सिंहों अद्भुत वीडियो वायरल। नदी विस्तार में रस्तो ओळंगता बे सिंह और 4 सिंह बाढ़ कैमरा में कैद। अमदावाद में 14 सेंटर पर यूपीएससी ने सीडीएसई परीक्षा योजाई। कोरोना संक्रमण ने लेने परीक्षा सेंटर पर खास व्यवस्था। 4,400 विद्यार्थियों आपी परीक्षा। अरवली जिला में त्यौहारों समय पर बाजारों में मंदी नो माहौल। मोड़ासा शहर में फटाकड़ा व्यापारियों ने स्टॉल पर ग्राहकों की राह। बाजारों भासी रही है सुनसान।
તો આ સાથે જ ગુજરાત સુપરફાસ્ટ અહીં સમાપ્ત કરીશું. અન્ય વધુ સમાચારો વિસ્તારથી જોવા માટે આપ જોડાયેલા રહો ન્યૂઝ 18 ગુજરાતી સાથે.